हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ दुर्गापुर की डीसी सिनेमा हॉल के पास, जो दुर्गा ऑटो सेंटर में मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी मतलब गाड़ी की डील रहने वाली है, तो मैं आप लोगों को सारा डील एक एक करके दिखाता हूँ। और सो फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब मैं बाइक का जो ब्लॉग बना रहा था उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी प्राइस 220 की प्राइस, R15 वर्जन 3 की। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को मतलब प्लीज़ यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जाकर पहले वीडियो देख लो, वीडियो में सब कुछ डिटेल्स रहती है, मतलब ऑनर की नंबर से लेके जो लोकेशन वोकेशन वगैरह सब कुछ का नंबर सब कुछ रहता है, गाड़ी के दाम प्राइस सब कुछ रहता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप्ट मत करना, वीडियो पहले पूरा देख लो, उसके बाद मुझे आगे कमेंट करो। तो और आप लोग उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है गाड़ी को बुक करना चाहते, तो आप लोग सीधा डीलर को कॉल करो, ऑनर को कॉल करो, वो आप लोग की गाड़ी बुक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ पे आओ, गाड़ी देखो, गाड़ी देख के आगे बुक करो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को आगे कुछ समझ में नहीं आता तो बिल्कुल कमेंट करो, मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो, मैं सबकी कमेंट को रीड करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। बाकी मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पहले पूरा देख लो, उसके बाद आप लोग कमेंट करो तो काफी अच्छी बात रहेगी। सो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं गाड़ी की डील दिखाना शुरू करता हूं आप लोग को। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand and dance. सो गाइज, जैसा कि मैंने बताया, मैं आ गया दुर्गा ऑटो सेंटर पे, तो मैं अभी चलता हूँ भैया के पास और एक एक करके आप लोगों को सारी गाड़ी का मेटेरियल दिखाओ। ये है भैया, शोरूम के ऑनर। भैया आपका नाम क्या है? अशोक साहब। और कैसे आप? बढ़िया। तो आज हमें क्या डील देने वाले, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होने वाली प्राइस? प्राइस अभी बोलेरो देख लीजिए, बोलेरो देख लीजिए, बोलेरो 14 का मॉडल है। तो ठीक है, हम लोग एक के बाद एक सर हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा, बोलेरो से शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं सबसे पहले बोलेरो पे। कौन सा, क्या मॉडल होने वाला है? ये 14 का गाड़ी है, AC है। इसके प्राइस है 4,70,000। 2014 गाड़ी है, AC मॉडल है, 4,70,000 प्राइस है इसकी। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है? XUV 300। टॉप मॉडल W8। क्या प्राइस क्या होने वाली है? ये 2019 की गाड़ी है, टॉप मॉडल है, 7,500 दाम है। 2019 की मॉडल है, टॉप मॉडल है, 7,500 इसकी प्राइस है। और इसके बाद कौन सा नेक्स्ट गाड़ी पे? आर्टिका पेट्रोल पे चलते हैं इसके बाद। सो इसके बाद हम लोग आ गए हैं आर्टिका पेट्रोल पे, यही है ना? ये 19 का गाड़ी है, VXI मॉडल है, 8,80,000 दाम है प्राइस। 8,80,000 इसकी प्राइस है। तो आप लोग देख सकते हो गाड़ी काफ़ी मिंट कंडीशन में और काफ़ी नए कंडीशन में गाड़ी है, और जो कि आसनसोल नंबर रहने वाली है, WV 38 AV, मतलब कि आसनसोल 2019-21 की 20 की गाड़ी है ना, 21 की 20 की गाड़ी है। इसके बाद चलते हैं हम लोग, कौन सी गाड़ी है ये आपका? BRB 7 सीटर। ये 16 का गाड़ी है, 6,80,000 दाम है। 7 सीटर गाड़ी है, 16 की गाड़ी है, 6,80,000 इसकी प्राइस है। ये भी काफ़ी मिंट कंडीशन में है और ये दुर्गापुर नंबर रहने वाली है, दुर्गापुर नंबर रहने वाली है। इसके बाद कौन सा गाड़ी है भैया? अब आ जाइए किया सेल्टोस। 20 का गाड़ी है, इसका 12,500 दाम है, सेकेंड टॉप है। 20 का गाड़ी है, 12,500 दाम है, मतलब 12,50,000। और 2020 की गाड़ी है, 20 और जो कि आसनसोल नंबर है, 20 की लास्ट की गाड़ी है मुझे लगता है ये, 80 नंबर आसनसोल की। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा हम लोग का? स्कॉर्पियो सबसे डिमांडिंग गाड़ी है जो स्कॉर्पियो। S5 है, 2018 मॉडल है, S5 2018 मॉडल, इसका 980,000 दाम है। इसका 980,000 दाम है, S5 है, 2018 की मॉडल है, 980,000 दाम है इसकी। तो आप लोग देख सकते हो ये भी गाड़ी काफ़ी मिंट और काफ़ी नए कंडीशन में गाड़ी है, सीवी रजिस्ट्रेशन है। और भैया कहीं मतलब पेपर का कुछ यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम? नहीं, कोई नहीं, पेपर हम लोग गाड़ी लेने के पहले पेपर ही कर देते हैं। सो यहाँ पे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग देख सकते हो मतलब जगह ही पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ, तो इसलिए पूरा गाड़ी को तो मैं आप लोग को सामने से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मैं 19 का है, 2MT है, बेस मॉडल, इसका 7,500,000 दाम है। महिंद्रा महाराज जो कि लॉन्च हुआ भी ज़्यादा दिन, मतलब ज़्यादा साल नहीं हुआ, बिल्कुल नया है, लॉन्च हुआ, इसका लॉन्च हुआ ही नया दिन मतलब हुआ है अभी। इसके बाद हम लोग आ गए स्कॉर्पियो पे फिर से। 18 का लास्ट का गाड़ी है, इसका प्राइस है 12,500,000। स्कॉर्पियो S11 है, 18 की लास्ट की गाड़ी है, इसकी प्राइस क्या बोले? 12,500,000। इसके बाद फिर से आते स्कॉर्पियो पे। हाँ, फिर स्कॉर्पियो S3 है, 2019 का गाड़ी है, 2019 की गाड़ी है, ये 10,10,000 दाम है।
2019 की गाड़ी है, 10,10,000 दाम। इसके बाद जो गाड़ी है वो काफी मतलब नई कंडीशन और मिंट कंडीशन में गाड़ी है, मतलब इसको नया गाड़ी भी बोल सकते हम लोग। इको स्पोर्ट 17 का गाड़ी है, 4,70,000 दाम है। 4,70,000 दाम है, सेकंड टॉप है, सेकंड टॉप गाड़ी। और कितनी चली होगी लगभग ये आसपास? ये आपको 70 के आसपास चली होगी। सो मैं आप लोगों को सारा ही गाड़ी एक बार फिर से मतलब दिखा देता हूँ, प्राइस तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैं एक करके गाड़ी को पीछे से और आगे से आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके बाद आ जाते स्विफ्ट डिजायर फैमिली गाड़ी पे, न्यू शेप LDI मॉडल 2018 का न्यू शेप LDI मॉडल है, 5,30,000 दाम है। और कितनी चली होगी, कितनी गाड़ी है? 72,000 लगभग, 72,000 चली होगी गाड़ी। इसके बाद कौन सा है? ब्रेजा विटारा, ये 2019 का गाड़ी है, 6,90,000 दाम है, VDI मॉडल। ब्रेजा 2019 की मॉडल है, 6,90,000 दाम है इसके। इसके बाद कौन सा है? ये आएगा बोलेरो सेलेक्स पावर प्लस 2018 की, 6,500 दाम है। 6,500 दाम है, 2018 की गाड़ी है। इसके बाद फिर से स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट डिजायर 15 का मॉडल है, VDI मॉडल, 4,500 दाम है। 15 का VDI मॉडल, 4,500 दाम है। सो भैया अगर यहाँ पे कोई आते हैं मतलब मेरे से तो क्या नेगोशिएबल कुछ हो जाएगा? यहाँ आने के बाद ही सब हो जाएगा, मतलब ऑन टेबल नेगोशिएबल कुछ हो जाएगा? ठीक है, ऑन टेबल यहाँ आने के बाद कुछ नेगोशिएबल कुछ हो जाएगा। मैं जो शोरूम के जो बोर्ड है मैं आप लोगों को वो एक बार दिखा देता हूँ, और उससे क्या होगा कि आप लोग मतलब सारा नंबर तो मैं मेंशन कर ही दूंगा, और ऊपर से आप लोगों को सारा नंबर और शोरूम का नाम भी पता चल, देख लो दुर्गा ऑटो सेंटर इसके नाम है गाड़ी की, और यहाँ पर आप लोग नंबर देख सकते हो, ये भी मतलब सारा नंबर ही आप लोग किसी भी आप लोग कॉल करके यहाँ पा सकते हो। तो सारा गाड़ी का डील तो आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, तो मैं सब गाड़ी को एक बार पीछे से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये था स्विफ्ट डिजायर, देख सकते हो काफ़ी मिंट कंडीशन में है, और ये भी स्विफ्ट डिजायर था जो कि कौन सा VDI क्या मॉडल, VDI मॉडल बोले शायद। इसके बाद था हम लोग बोलेरो, इसके बाद था ब्रेजा, और प्राइस आप लोग को मैंने बताई दिया, और मैं गाड़ी सिर्फ आप लोग को अभी दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से, क्योंकि क्या है ना कि मतलब तो मतलब यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, तो एक एक गाड़ी को पीछे से दिखानी मतलब मुश्किल हो जाती है, तो फिर मैं अच्छे से एक बार आप लोग को फिर भी दिखा देता हूँ। ये भी गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग देख सकते हो। ये इको स्पोर्ट्स है फोर्ड की, जो कि मैंने दिखा दिया, फिर भी आप लोग आगे से पीछे से अच्छे से देख लो। टायर की कंडीशन आप लोग देख सकते हो, काफ़ी नए कंडीशन में टायर भी है इसकी। और उसके बाद हम लोग चलते हैं स्कॉर्पियो पे, स्कॉर्पियो की भी काफ़ी टायर मतलब काफ़ी नए टायर है, मुझे लगता है चारों टायर इसकी नई लगी हुई है, और देख सकते हो गाड़ी को स्कॉर्पियो को अच्छे से देख लो आप लोग, जहाँ तक हो पाएगी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि देख सकते हो मतलब गाड़ी इतना स्पेस कम है कि पीछे ही लगा हुआ, पीछे मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब रखने का मतलब जाने का जगह नहीं है, तो मैं जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसके बाद हम लोग चलते हैं बुलेरो पे, जो कि मैंने आप लोग को दिखा दिया था, दाम भी बता दिया था, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। इसके बाद चलते हैं महिंद्रा की XUV पे, तो गाइस आप लोग देख सकते हो स्पेस मतलब कैसी है, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को सारी अच्छे से डील दिखा देने की। पीछे से एक बार लुक देख लो गाड़ी की, बुलेरो ये XUV 300, और ये माराजो 2019 की मॉडल जो थी, और ये थी आर्टिका हम लोग की, जो आर्टिका 2021 की मॉडल थी आर्टिका, इसको आप लोग एक बार पीछे से भी अच्छे से देख लो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं होंडा VRV पे, मतलब VRV पे, इसको भी आप लोग पीछे से साइड से एक बार अच्छे से देख लो। इसके बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियो पे, इसको भी आप लोग देख लो। तो सारी गाड़ी मतलब यहाँ पे बहुत मिंट और नए कंडीशन में है, बाकी पेड़ मतलब आप लोग देख सकते हो पेड़ का डस्ट नीचे पड़ता रहता है, इसीलिए थोड़ी सी गंदी हो रखी है, बट जो शोरूम कॉर्नर है वो वास करवा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो फ्रेंड्स अभी तक की जितने भी डील थी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, सो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और डील भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। सो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।